हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक ज्वेलरी डिज़ाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आप वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ताकि फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैट्रिक का वैसा ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स, आप बहुत सारे कुछ अपने हिसाब से जो बनाना है, कोई भी रिंग या कुछ भी बना सकते हैं अलग से, ठीक है। और आपको एकदम कम्प्लीट वो चीज़ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज ही मैंने YouTube में देखा था सिर्फ और 24-50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी सब फ्रेंड्स क्या करते हैं, वीडियो देखते हो चले जाते हैं। तो जितने भी लोगों को फ्रेंड्स मैं बता जा रहा हूँ, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो होने वाले अच्छे हुए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ आपको दिखाता चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे सिंगल व्यू हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स में, ठीक है। यहाँ पे बिल्डर में ऑप्शन है, बिल्डर मतलब कि क्या होता है, सब कुछ चीज़ बनाने का, बिल्ड करने का, ठीक है ना। तो वहाँ पर बिल्ड में जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा वाला, ठीक है, सिंगेट रिंग बिल्डर, ठीक है, उसको ओपन कर दीजिए। ये ओपन हो गया, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप पूरी का पूरा आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सब कुछ देखा क्या करने का, उसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेंथ, मतलब आपके जो टॉप हो खा, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, जैसे टॉप बना दे कुछ भी रिंग का, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, वो यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा। उसके बाद उसका वेट, मतलब कि उसका थिकनेस, ठीक है, देखिए यहाँ पे थिकनेस भी आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद थिकनेस टैंक साइड में, मतलब सेंक उसका कितना रखना है, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बॉटम में वेट कितनी रखनी है मिल जाएगा, सब सेटिंग आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलने वाला है, ठीक है। तो बस ये चीज़ सीखने के लिए आपको, ठीक है, सबसे पहले जाना है, देखिए यहाँ पे लेगा रिंग रेल। तो प्लस रिंग रेल में आपको जो भी साइज चाहे, जैसे कि हमको यहाँ पे चले 16.2, ठीक है, लिख के गया उसको मैं एंटर कर दीजिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पूरे का पूरा एक सर्कल आ गया, ठीक है, रिंग का 16.2 का सर्कल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 16 है या नहीं है, ठीक है, ओके। देखिए उस चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, उसका लिंक देखिए यहाँ पे, ये वाला चीज़, ठीक है। तो देखिए 16.2 यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो फिर उसके लिए आप कोई इसे इसका डायरेक्ट नहीं ले सकते, देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं वो डायरेक्ट ऐसे 16.2, ठीक है। तो फिर ये चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसमें आपको अलग से ही करना पड़ेगा, मतलब मैंने जो बताया वही प्रोसेस से आपको यहाँ से रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना हो गया। अभी फिर उसके बाद जाना होगा देखिए इस ये वाला चीज़ एडिट में, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे सेव आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये रेंगोल है, उसके बाद ये हार्ट सेप है, स्टार सेप है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे आपको सेप मिल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से कोई भी एक सेप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला मैंने एक इसके पहले रिंग बनाया था, ठीक है, ऑर्डर का, तो वही सेप मैंने यहाँ पे बनाया। देखो इसको सिलेक्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको जो सेंक कहना चाहिए, ठीक है, ये टॉप हमारा हो गया, टॉप है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि उसका साइड का सेंक कैसा चाहिए, देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि हमको ये वाला चाहिए, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको दिखा टॉप पे करके, देखिए हमने जैसे सेंक यहाँ पे सिलेक्ट किया था वैसा ही सेंक वैसा ही टॉप यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आ गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टॉप थिकनेस लेंथ उसकी टॉप की, मतलब लेंथ आपको कितना छोटा बड़ा रखना है टॉप, वो है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो छोटा बड़ा होगा, देखना, ठीक है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, ठीक है, ये सेटिंग आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉप फैंट, मतलब कि ये कितना रखना है, देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग करूँगा तो देखिए यहाँ पे भी छोटा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये अपने हिसाब से आपको जितना रखना है टॉप वैसा यहाँ पे टॉप का सेटिंग है। उसके बाद टॉप का थिकनेस, मतलब कि टॉप आपका जो टॉप है उसकी हाइट कितनी रखनी है, मतलब कि ए वाला चीज़, तो देखिए वो भी आपको सेटिंग यहाँ से मिल रहा है इजीली, देखा, सही है, जैसा कि आपको अपने हिसाब से रखना है। देखिए हम ज़्यादा का 1.7 रखते हैं तो यहाँ पे 1.7 भी हो सकता है। उसके बाद साइड में, मतलब कि ए वाला थिकनेस आपको कितना रखना है, देखिए वहाँ से हम ज़्यादा 1.5 रखते हैं, ठीक है, तो 1.5 भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे वाला है, ठीक है, उसके बाद राइट में चले जाए, राइट में मतलब कि वो बोलते हैं ना हम टेपर, रिंग का टेपर आपको कितना रखना है, ठीक है ना, बॉटम का साइड, देखो देखा यहाँ पे उसको सेटिंग कर सकते हैं, देखिए आप जैसा बड़ा छोटा अपने हिसाब से, हम ज़्यादा पर गए इसको 2 जितना रखने के 2.5 जितना रखते हैं, तो आपको अपने हिसाब से उसको सेट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम स्केल, तो देखिए क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो बीच वाला स्केल है, ठीक है, ये वाला तो देखिए वो कितना रखना है वो भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, देखिए, सही है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम लेंथ स्केल, तो देखिए यहाँ क्या दिखा है, मतलब कि ये वाला यहाँ पे अभी आपको कितना रखना है, देखिए अभी होगा, ठीक है, देखा।
उसके बाद है यहाँ पे लास्ट में हमारा बॉटम कट एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कितना रखना है वो भी आपको सब यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है। ठीक है, देखो वापस अगर आपको चाहे तो मैं आपको दूसरा शेप देख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा शेप देते हैं। ठीक है, हमने ये वाला शेप ले लिया। ठीक है, दिखाने के चलिए इसको स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर देखा, उसको बाद एंटर कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए अपना मशीन व्यू। ठीक है, देखा आपने जैसा शेंक सिलेक्ट किया था वैसा शेंक यहाँ पे आ गया। अब बाकी उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से रिस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूज आपको उसमें कुछ भी संबंधित आया तो मुझे यहाँ पे ना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे यहाँ पर मैसेज कर, या फिर मेरे ईमेल आईडी वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसा ही सब बहुत सारी इसको रिलीक कर दीजिए। ठीक है, तो भी आपको यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वापस से ये तो है ही हमारा रिंग रेट यहाँ पे। ओके, और उसके बाद जैसे कि हमने स्टार शेप लेते थे, चले ठीक है, तो दिखा यहाँ पे स्टार शेप ने हमारी रिंग आ गई है। ठीक है ना, इसको रिस्टार्ट कर दीजिए एक बार। ओके, देखा पूरे का पूरा स्टार शेप। उसके बाद आप उसको यहाँ पे चाहे तो उसको कोई छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से ये भी चीज़ है, उसको ऐसा करना है। ठीक है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आपको यहाँ पे शेप मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक कमांड आपको कंप्लीट आ गया है। उसके बाद जाते हैं दूसरा कमांड। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कमांड कौन सा है। वो कमांड फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे टूल्स में। ठीक है, टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रेकवर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस लाइब्रेरी में क्या है, आपको जो भी रिंग चाहिए रिंग आपको यहाँ पर रेडी पोजेशन मिलता है कम्प्लीट। ठीक है, सब साइज के साथ आपको यहाँ पर मिलता है, डायमंड साइज सब कुछ। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाली रिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है अढ़ाई कैच का इतना डायमंड है। ठीक है, 3.5 से लेके 3.9 का डायमंड है। ठीक है, उसका देखा यहाँ से सब साइज भाई आपको मिलेगा। डायमंड आपको छोटा बड़ा करना है तो भी आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब आपको 4U दिख रहा है। ठीक है, उसको सिंपल करना है यहाँ से ऐड। ठीक है, थोड़ी सी फ्रेंड्स रिंग बड़ी है तो देर लगती है ओपन होने में। ठीक है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स अभी आ गए हैं लेकिन कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, तो वेट कर लेते थोड़ा सा, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो रिंग है थोड़ी सी बड़ी है इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम तो सब कौ डिलीट यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, कौ की जरूरत नहीं है। तो फिर ये सब चीज़ रखा है ना, वो येलो येलो बुलियन डिफाइन लगाने के रखा है, आपको दिखाने के रखा है कि आप कैसे उसमें बुलियन डिफाइन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से उसको कर देता हूँ हाइट में। ठीक है, अभी और ये हमने यहाँ पे हाइट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे आपको रिंग का ऐसे रिंग बहुत सारी प्रेस बनाने को मिलती है, तो इसमें से आप पहले कुछ कुछ पार्ट उसके रेडी है तो उसमें आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अपने सर का डायमंड चाहिए या फिर ऐसी रिंग भी फ्रेंड्स बनाने के लिए मिलती है। ठीक है ना, कभी कभी जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे, तो उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए रिंग, देखिए वाली रिंग सही है। उसके बाद देखिए जैसे कि हम अभी दूसरी रिंग देखते हैं। ठीक है, तो वापस से आप यहाँ पे चले जाए बिल्डर में। ठीक है, ओके, ये नहीं ये वाला, उसमें देखिए उसके बाद आपको जैसी चाहे वैसी फ्रेंड्स आपको रिंग इसमें मिल सके। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना, तो इसके भी आपको यहाँ पे डायमंड साइज मिल रहा है, आपको कौन सा कैरेट में कितना वेट चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ओके मैं गो कर लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, देखिए इसी भी रिंग आपको फ्रेंड्स कभी कभी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसका वेट, तो इसका वेट भी फ्रेंड्स आपको जितना चाहिए उतना कम, ज़्यादा भी वेट नहीं। देखो मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से आप इसको वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना कितना चाहे वेट हो। देखा यहाँ पे कम से कम 6 ग्राम वेट है, तो फिर इतना वेट काफ़ी है इस रिंग के लिए। जो इसमें क्वालिटी है वेट भी उसका कम आएगा बहुत सारा। ठीक है,
तो इससे पहले आप कुछ क्या तो कुछ अपने पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी चाहे तो पास उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम हो जाएगा, ठीक है, इजीली। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कैसी रिंग चाहिए, एंगेजमेंट रिंग चाहिए, फैशन प्लस चाहिए, वेडिंग रिंग चाहिए। देखिए ये सब फ्रेंड्स, यहाँ पे वेडिंग रिंग आपको मिल जाएगी बहुत सारी, आपको जितने जितना भी अलग अलग चाहे सभी शेप में आपको यहाँ पे वेडिंग रिंग भी मिलने वाली, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फैशन प्लस, तो आपको कभी फैशन वाली रिंग यहाँ पे मिलने वाली, आप जैसे चाहे वैसी आप रिंग यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओनली फॉर फैशन है, तो अभी वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसा रिंग चाहे वैसा अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए मैं आपको एक वाली रिंग दिखाता हूँ, यू कट वाली, इसमें भी आप फ्रेंड्स डायमंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जितना भी आपको डायमंड चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से उसको कर लीजिए ऐड, ठीक है। तो देखा फ्रेंड्स यहाँ पे वाली रिंग भी आपको मिल रही है, देखिए यू कट वाली पूरी पूरी रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सभी जगह पर उसमें यू कट किया है, ठीक है ना, ओके। देखा सभी जगह पर यहाँ पे यू कट रिंग आपको मिलने वाली, रेडी पोजेशन, ठीक है, कंप्लीट एकदम, ठीक है। और इसका वेट की बात करो, वेट भी इस फ्रेंड इसका बहुत कम होने वाला है, ठीक है। मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कितना उसका वेट आ रहा है, ठीक है। तो देखा फ्रेंड इसका 7 ग्राम या फिर 8 ग्राम के आसपास, तो कि यू कोट वाली रिंग है, तो सपोर्ट भी लगा तो इतना वेट तो आने वाला है, ठीक है। इस रिंग के लिए इतना वेट बहुत अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स, कम वेट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखा अगर आप चाहे आप दूसरा यहाँ पे देखते तो आपको और भी मिल जाएगा, ठीक है। और लिखे एंगेजमेंट प्लान है, वो आपका एंगेजमेंट रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको ट्विस्ट वाला भी यहाँ पे मिल रहा है, देखा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरे का पूरा ट्विस्ट सेंक है, ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला भी चीज़, ठीक है। इसे भी आप डायमंड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से जो भी चाहे वो डायमंड, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, इसीलिए उसको ओपन होने में थोड़ी सी देर लगती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओपन हो गए, ठीक है, सबको मैं कर जाऊँ डिटेल आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो सेंक है पूरे का वो ट्विस्ट किया है, देखा आपने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरे का पूरा ट्विस्ट किया है, ठीक है, ये चीज़। वैसे आपको यहाँ पे दूसरा रिंग मेरे को दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट मीटिंग, देखिए ये वाला भी एंगेजमेंट बैंड रिंग है, ठीक है, इसमें 3 से 4 पीस आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसी तरह का सेट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओनली फॉर एंगेजमेंट, तो भी आपको यहाँ पे सब मिल रहा है, मतलब जो भी रिंग चाहिए आपको सब जगह की रिंग यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया, कोई इसमें आपको संभल देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइब्रेरी, ठीक है, वाली मतलब कि कोई डायमंड रखते हैं आप, ठीक है, सॉलिड डायमंड है, राउंड डायमंड है, किसी भी प्रकार का पियर शेप का डायमंड, तो उसके लिए आपका कॉलेज चाहे नीचे की, तो कॉलेज भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रेडी मिलने वाली कंप्लीट पोजेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाला डायमंड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप उसका साइज सब कुछ सिलेक्ट कर दे, आपको कितना डायमंड का चाहिए, मतलब कि 8.4 mm का डायमंड चाहिए, वो भी आप जो भी चाहे अपनी तरफ डायमंड, यहाँ पे देखिए ये वाला राउंड है, ठीक है, तो इसमें देखो राउंड डायमंड रहेगा, ठीक है। कौन से कलर में चाहे, प्लेटिनम में चाहे, कितने कैरेट में चाहे, सब कुछ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा डायमंड साइज आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मशीन व्यू करके, ठीक है, देखा मतलब कि ऐसा भी चीज़ फ्रेंड्स आपको मेटनेस में बहुत सारी जगह पर रखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको इसको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इजीली यहाँ से सभी ये चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आपको जो भी चाहे बस उसमें भी अलग अलग प्रकार के, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, देखिए बेजल है, ठीक है, देखिए बस ये सब बेजल है, आपको जैसे भी बेजल चाहिए, देखिए जी हम जो रेगुलर बेजल बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको फ्रेश यहाँ पे डायमंड साइज मिल जाएगा, आपको कौन सी डायमंड का साइज चाहिए वो भी, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। देखा ये हमारा रेगुलर बेजल यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, आपको भी ये भी, देखिए उसके बाद वापस हम इसमें जाएंगे तो देखिए बहुत सारी अलग अलग और भी बेजल आपको मिलने वाले, जो भी शेप चाहे वो भी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैंड सेटिंग, तो हैंड सेटिंग भी आपको जो भी चाहे वो भी अपने हिसाब से मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जंप, ठीक है, मतलब कि ओनली सिर्फ रिंग आते हैं जो नीचे की, अपना जो डायमंड जो हम लगाते हैं उसके नीचे रिंग आती है, वो रिंग भी यहाँ पे आपको सिर्फ मिलने वाला है, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारा साइज मिल जाएगा, ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ मैं अगर आपको कुछ मुझे नया मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।